नमस्कार दोस्तों, चैनल हिमा जली रसोई में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमारी, आज हम बना रहे हैं चना मा दाल, जो बिना टमाटर से बनेंगी, बहुत ही टेस्टी। जिनको टमाटर खाना बिल्कुल मना है वो भी इस दाल को बना सकते हैं और खा सकते हैं बिना टमाटर से, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम ये ले रहे हैं दाल उड़द, जिसे हम माँ दाल भी कहते हैं, और काली दाल उड़द दाल होती है। ये आधी कटोरी है अभी इसको मैं डाल रही हूँ, और ये ले रहे हैं हम चना दाल और इसको भी डाल रही हूँ। ये सब हम मिला लेंगे ठीक से और धो लेंगे, और इसमें जो भी कंकर वगैरह है सब साफ करके ठीक से हम डालेंगे इसको कुकर में, और इसमें 5 गुना पानी डालेंगे। जैसे एक कटोरी बन गई दोनों को डाल के, तो हम इसमें 5 कटोरी पानी की डालेंगे। कुकर में मैंने पानी डाल दिया हुआ है, अभी इसमें मैं ये दाल धो के डाल रही हूँ, और कुछ मसाले जो मैं अभी बता रही हूँ। अभी जो कुकर में मैंने दाल धो के डाली हुई है, बंद करने से, ढक्कन बंद करने से पहले मैं ये 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक और कटा हुआ लहसुन, अदरक, ये हम जो डाल रहे हैं उबलती हुई दाल में, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ये धनिया पाउडर है, ये मेथी पाउडर है, और ये गरम मसाला पाउडर जो हमने घर में पीसा है और बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। अगर इसमें सभी अच्छे अच्छे मसाले पड़े होते हैं, अगर आपको घर में बनाने नहीं आता गरम मसाला तो आप मेरी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने गरम मसाले की एक वीडियो डाल रखी है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जियाँ बनती हैं, दालें सब कुछ, और ये नमक और अदरक और ये हींग, ये सब हम उबलती हुई दाल में डाल देंगे। इसमें लहसुन नहीं डालेंगे, गलती से मैंने लहसुन बोल दिया था, लहसुन हम तड़का में डालेंगे। कुकर में सारे मसाले और दाल मैंने डाल दी हुई है, ढक्कन लगा दिया। अभी पहली स्टीम जब कुकर में सीटी आ जाएगी तो हम धीमी आंच पर 15 से 17 मिनट तक इसको रखेंगे। तब तक हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं दाल के लिए। ये हमने प्याज काट के रख लिया है, ये साबुत मेथी दाना और साबुत मिर्ची और 3 लौंग और अदरक लहसुन और धनिया पत्ता, ये प्याज का पत्ता है दोस्तों। मैंने अपने गार्डन में, यानी के गार्डन में लगा रखा है। जैसे हम घर में प्याज लाते हैं और कई बार उनमें पत्ते निकल आते हैं, तो मैं उनको ऐसे नहीं फेंकती, तो मैं वही प्याज का जो पीस जिसमें पत्ते निकलते हैं उसको मिट्टी में दबा देती हूँ गमले में, और उसमें ये पत्ते तैयार हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं दाल सब्जी में। ऊपर से जैसे हम धनिया डालते हैं ऊपर से, वैसे इन पत्तों को भी डाल सकते हैं। कुकर में अभी दाल हो चुकी है, पहली सीटी आने के बाद मैंने स्टीम कम कर दी थी, और उसके बाद 15 से 17-18 मिनट हो गए हैं। अभी मैं थोड़ा कुकर ठंडा होने दिया, अभी मैं खोल के देखूंगी कि अब ठीक से पक गई है दाल हमारी, हो चुकी है ठीक से। ये देखिए दाल हो चुकी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसमें हमने सारे मसाले डाले हैं उबलते हुए में। ऐसे ही अगर किसी को बताया होता है कि घी बिल्कुल ही बंद होता है तो ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें थोड़ा धनिया पत्ता डालेंगे और प्याज का पत्ता, और बहुत टेस्टी लगेगी। लेकिन मैं अभी आपको तड़का लगाना बताऊँगी। ये मैंने पैन में तेल डाला हुआ है 1 बड़ा चम्मच। अभी इसमें से हम धुआं निकाल लेंगे, तेल से धुआं निकल गया है। अभी हम डाल रहे हैं इसमें साबुत जीरा, साबुत मेथी दाना और साबुत मिर्चें, ये हो चुकी है। अभी हम इसमें डाल रहे हैं कटा हुआ लहसुन और अदरक, इसको हल्का सा ब्राउन होने देंगे। फिर इसमें डाल रहे हम प्याज,
और इसमें डाल रहे हैं हम दो लौंग जो रखे हैं, तीन लौंग। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है दोस्तों, और इसमें बेलापन भी नहीं रहता। दाल किसी को तो बेलापन भी होता है कि हम उड़द की दाल नहीं खाएंगे, तो उसको भी बहुत अच्छी पच जाती है। प्याज हमारा थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो चुका है। अभी हमने पहले तो हल्दी और गर्म मसाला डाला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ठीक रंग लाने के लिए इसमें भी थोड़ा थोड़ा और डाल देंगे, आधा आधा चम्मच गर्म मसाले का और हल्दी। अगर आप मिर्ची खाते हैं तो यहाँ पर आप मिर्ची भी डाल सकते हैं, नहीं तो हरी मिर्ची जब और मसाले डाले उनमें भी काट के डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी देसी मिर्च डाल दी है, थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है इससे। अभी हमारा तड़का तैयार हो चुका है और अब हम गैस बंद कर रहे हैं और इसमें डाल देंगे दाल। दाल डाल के जल्दी से इसमें ढक्कन लगा लेंगे ताकि इसकी खुशबू बाहर ना जाए। ये देखिए हमारी दाल तैयार हो चुकी है। अभी इसमें हम डाल रहे हैं धनिया पत्ता, इससे बहुत ही टेस्टी बन जाती है दोस्तों। अगर कोई टमाटर नहीं खाना चाहे या कोई बिना घी के खाना चाहे तड़के से, तो वैसे भी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए आप बना के देखना, खा के देखना और मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो। ये हो गई हमारी चना माँ दाल तैयार। दोस्तों मुझे तो बहुत पसंद है ये दाल, मेरी दादी माँ बनाती थी और मैं बहुत ही पसंद करके इसको खाती थी। आप भी खा के देखना आपको कैसी लगी और मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों।